हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। आज हम 7th क्लास की स्टडी करेंगे। चैप्टर में जो नंबर है हमारा 7 है और चैप्टर का नाम काकी है। ये वीडियो नंबर कौन सा है बेटा? ये वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो नंबर मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? इसमें मैंने आपको यहाँ तक पहले ही बता दिया था, ठीक है? आगे का देखो। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। जो शामू का कौन दोस्त था और उसका साथी कौन था? भोला था। शामू ने धीरे से कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो अकेले में लाना कोई जाना पाए। कौन बोलता है ये बात? शामू बोलता है कि अकेले में मंगवाना क्या डोर और पतंग, किसी को पता ना चल पाए, ठीक है? इसमें इतना कहा गया है, ठीक है? पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, बोला अगर किसी से ना कहे तो एक बात कहूं। कौन बोलता है? भोला बोलता है शामू से, अगर तुम किसी से ये बात नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ या तुमसे कहता हूँ। भोला बोला, हाँ बता, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। शामू बोला, मैं पतंग ऊपर भगवान के पास भेजूंगा जिससे काकी इसकी डोर पकड़कर नीचे आ जाएगी। कौन बोलता है ये बात? भोलू बोलता है, ठीक है? उसका दो दोस्त जो होता है भोला, भोला शामू से अधिक समझदार था। जो भोला था ना वो शामू से बहुत क्या था? समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची परंतु एक कठिनाई है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। वो क्या बोलता है? ये डोर जो है बहुत ही पतली है, अगर काकी इसको पकड़ कर उतरेंगी तो वो रस्सी उनकी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, इसके टूट जाने का डर है। वो बात उसको बोलता है, भोला बोलता है, अगर हम ये डोर, ये रस्सी पतली, अगर हम पतंग में बांधेंगे तो क्या हो जाएगी? रस्सी टूट जाएगी। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, अगर पतंग में मोटी रस्सी बांधी जाएगी तो सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, आराम से पतंग भगवान तक पहुंच भी जाएगी और काकी इसको पकड़ के वापस आ भी जाएंगी। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। पास में दाम है, सॉरी, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे पूरी रात नींद तक नहीं आई। जो शामू था, जो बात भोला ने उसको बताई थी उसके कारण शामू को रात भर नींद नहीं आई। वो उसी बात की चिंता में हरदम रात भर सोचता रहा। क्या सोचता रहा? मोटी रस्सी के बारे में। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। फिर से शामू ने क्या करा? अपने पिताजी के कोट में से एक दोबारा से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी दो रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भाई से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। क्या बोलता है? जो शामो जो होता है वो अपने दोस्त को बोलता है, तो उसका जो भोला दोस्त होता है वो क्या करता है? वो भोला दोस्त क्या कहता है? एक पते पे मैं काकी का नाम लिखवा देता हूँ, अगर हम पतंग में बांध के वो पतंग उड़ाएंगे तो वो ठीक पते पर पहुंच जाएगी, जिससे कि जो चिट्ठी है वो कहाँ पहुंच जाएगी? काकी के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद, क्या बोला गया इसमें? 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। कौन बोलता है? उनके पिताजी बोलते हैं शामू और भोला को कि तुमने मेरे कोर्ट में से क्या निकाला है? रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबीर हो गया और बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। क्या बोलता है? शामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए तुम्हारे कोर्ट में से पैसा निकाला था।
विश्वेश्वर ने शामू को दो तमाचे लगाकर कहा, चोरी सीकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी, कहते थे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। क्या बोलता है वो भोला शामू के लिए? बोलता है कि पतंग भी किसने मंगवाई थी? शामू ने ही मंगवाई थी, और रस्सी भी शामू ने ही मंगवाई थी। इसको बांधकर वो कहाँ भेजना चाहता था? इसको बांधकर वो काकी के पास भेजना चाहता था, ठीक है, काकी को ऊपर से उतारने के लिए। ठीक, इसमें फिर वो बच्चा क्या कहने लग जाता है कि ये पतंग जो हम उड़ाते और काकी के पास भेजते, तो काकी इस रस्सी को पकड़ कर नीचे आ जाती। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उसके कागज पर लिखा था काकी। जो पतंग थी, पतंग के कागज पे क्या लिखा हुआ था? काकी लिखा हुआ था। तो उनको समझ में आता है ये पतंग किस लिए भेजी जा रही थी और कहाँ भेजी जा रही थी। वो अपनी काकी के पास भेजना चाहता था। कौन भेजना चाहता था? शामू भेजना चाहता था। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने बच्चों के भावों को अच्छी तरह सोचना, मतलब उनके भावों को अच्छी तरह समझना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी हमें कदम नहीं उठाना चाहिए। देखो, इस कहानी में बताया गया है ना, अगर वो उसकी बात सुनता समझता और बिना सोचे समझे उसने क्या करा, शामू की पतंग को फाड़ दिया और उस हाथ में उसको चांटे भी लगाए। अगर उसको पता होता किस वजह से ये पतंग उड़ाई जा रही है और कहाँ भेजी जा रही है, तो ये पिताजी उसके इस तरह उसको मतलब कि पिटाई नहीं करते और ना ही उसको बुला मतलब कि बुरा भला कहते। तो बेटा, हमारी कहानी आज यहीं समाप्त होती है। आगे जो हमारी नई कहानी होगी, नए चैप्टर के साथ होगी। तो बेटा, आपका आज का होमवर्क है कि ये जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो शब्द अर्थ दिए जाते हैं, वो आपको क्या करना है? पढ़ने हैं और समझने हैं। आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे कोहराम माने क्या होता है? शोर, उदास, सुस्त, है ना। भूमि शयन, धरती पर लेटना कठिन है, मुश्किल, रुदन, रोना, अक्षमात, अचानक, विघ्न, रुकावट। तो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, शब्द अर्थ टाइप में दिए गए हैं, जो आपके चैप्टर में कठिन वर्ड थे उसकी क्या दी गई है? मीनिंग दी गई है। तो आपका यही होमवर्क है, आपको ये सारे शब्द क्या करने, अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर टू, आपको मैंने जो कहानी ये स्टोरी जो पढ़ाई है आपको पढ़नी है दोबारा से, और ये टिक द करेक्ट है, ये आपको किस में करने हैं? आपको अपनी बुक में ही करने हैं। तो बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट।